बसमिल्ल अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स माय नेम इज़ अकबर अली एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड सेवन टुडे आर टॉपिक इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस समझेंगे बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एडिशन ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं एग्जाम्पल नाइन है एड टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव प्लस फोर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल को हम दो मेथड्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं पहले मैं एक मेथड के साथ सॉल्व करूंगा फिर उसके बाद हम मेथड नंबर टू से इसको समझेंगे तो इसमें सॉल्व करने के लिए हम इसको हॉरिजॉन्टली लिख लेंगे टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है प्लस सेकंड एक्सप्रेशन फोर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री अब स्टूडेंट्स दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में प्लस का साइन है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे और चूंकि इस ब्रैकेट से पहले साइन पॉजिटिव है तो अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज नहीं होंगे तो ये टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वेर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव प्लस फोर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री अब स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में पढ़ा था तो अब चूंकि एडिशन करनी है तो लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा लिखेंगे टू एक्स क्यूब और फोर एक्स क्यूब लाइक टर्म्स हैं, तो टू एक्स क्यूब के साथ हम फोर एक्स क्यूब को लिखेंगे देन माइनस फोर एक्स स्क्वेर प्लस एक्स स्क्वेयर ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं। देन माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स ये भी लाइक टर्म्स थी एंड देन कांस्टेंट टर्म्स प्लस फाइव प्लस थ्री अब इनको एड करना है इन दोनों टर्म्स में देखें एक्स क्यूब कॉमन है तो एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे तो रिमेनिंग टू प्लस फोर रह जाएगा एक्स क्यूब कॉमन ले लिया हमने देन एक्स स्क्वेर कॉमन लेंगे माइनस फोर प्लस वन रिमेनिंग बचेगा एक्स स्क्वेर कॉमन आ गया इन दोनों टर्म्स में से एक्स कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग माइनस थ्री माइनस वन रह जाएगा और फाइव प्लस थ्री को ऐड कर लें तो एट आ गया रिजल्ट अब टू प्लस फोर सिक्स एक्स क्यूब माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री आ जाएगा बाहर पॉजिटिव साइन है तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर एक्स प्लस एट ये इसका फाइनल आंसर होगा ये जो स्टेप मैंने किया है कॉमन वाला इस स्टेप को अगर ना भी करें तो टू प्लस फोर सिक्स एक्स क्यूब माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री एक्स स्क्वेर माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर एक्स प्लस एट ये डायरेक्ट भी किया जा सकता है अब स्टूडेंट्स इसी एडिशन को हम मेथड टू से सॉल्व करेंगे मेथड टू में हमने क्या करना है दोनों एक्सप्रेशन को वर्टिकली लिख लेना है फर्स्ट एक्सप्रेशन टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वेर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव अब सेकेंड एक्सप्रेशन जो है उसको हम इसके नीचे लिखेंगे और लाइट like टर्म्स के नीचे लाइक like टर्म्स लिखनी है जैसे फर्स्ट टर्म फोर एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब के नीचे फोर एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाली टर्म के नीचे एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस एक्स प्लस थ्री अब इसको हम एड कर देंगे टू प्लस फोर सिक्स एक्स क्यूब माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर एक्स फाइव प्लस थ्री प्लस एट तो ये हमारा रिजल्ट आ गया अब जरा गौर करें मेथड वन से हमने सॉल्व किया और मेथड टू से सॉल्व किया दोनों से रिजल्ट सेम आ रहा है जी स्टूडेंट्स अभी हमने एडिशन ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा अब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझेंगे अब इसमें एग्जाम्पल टेन है सब्ट्रैक्ट ए माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी फ्रॉम टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी अब जो फर्स्ट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से इस सेकंड एक्सप्रेशन में से तो पहले हम ये एक्सप्रेशन लिखेंगे माइनस ये एक्सप्रेशन लिखेंगे अब इसको भी सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं. एक मेथड से मैं ये वाली एग्जांपल कर रहा हूं दूसरे मेथड से मैं नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा आपको अब इसके सोलूशन के लिए अभी हम इसको वर्टिकली करेंगे तो चूंकि सेकंड एक्सप्रेशन पहले लिखना है तो इसको हम ऊपर लिखेंगे टू ए स्क्वा प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वाइनस टू बी सी अब जिस एक्सप्रेशन को करना करने उस एक्सप्रेशन को लिखेंगे बिल्कुल इसके नीचे और लाइक like टर्म्स के नीचे लाइक like टर्म्स लिखनी है तो अब देखें ए इस पूरे एक्सप्रेशन में ए वाली टर्म कोई भी नहीं है तो ए को हम बिल्कुल साइड पे लिख देंगे देन माइनस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर की टर्म के नीचे माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर स्क्वायर के नीचे सी स्क्वायर आ गया प्लस बी सी है तो बी सी वाली टर्म भी ऊपर वाले एक्सप्रेशन में मौजूद है तो प्लस बी सी और इसके साथ भी हम प्लस का साइन लगा देंगे अब इसको सब्ट्रैक्ट करना सब्ट्रैक्ट जब करते हैं स्टूडेंट्स तो जिस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है उसके साइन चेंज हो जाएंगे ये माइनस का साइन है ये प्लस हो जाएगा ये प्लस है माइनस हो जाएगा ये भी प्लस माइनस हो जाएगा और ये प्लस बी माइनस हो जाएगा अब टू ए स्क्वायर के नीचे कोई भी टर्म नहीं है तो ये टू ए स्क्वायर एज एट इज आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब नीचे वाला साइन यूज करना है हमने तो ये प्लस टू बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन सी स्क्वायर माइनस वन सी स्क्वायर तो ये माइनस टू सी स्क्वायर आ जाएगा माइनस टू बी सी माइनस वन बी सी माइनस थ्री बी सी और ये माइनस ए ये इसका आंसर होगा अब एग्जाम्पल ट्वेल्थ करेंगे सबट्रैक्ट फाइव ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए बी माइनस बी स्क्वायर फ्रॉम सेवन ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस थ्री बी स्क्वायर अब ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड एक्सप्रेशन में से अब ये एग्जांपल मैं मेथड टू से सॉल्व करूंगा इसके लिए हमने हॉरिजॉन्टली लिख रहे हैं क्योंकि फर्स्ट एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पहले हम ये एक्सप्रेशन लिखेंगे सेवन ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस थ्री बी स्क्र सब्ट्रैक्ट करने माइनस का साइन आएगा जिस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करने इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे फाइव ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए बी माइनस बी स्क्वायर अब पहले स्टेप में हम इस ब्रैकेट के बाहर चुके माइनस का साइन है तो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो इन तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे तो ये आ जाएगा सेवन ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस थ्री बी स्क्र माइनस फाइव ए स्क्वेर प्लस सिक्स ए बी प्लस बी अब फिर like टर्म्स को इकट्ठा करेंगे सेवन ए स्क्वेर माइनस फाइव ए स्क्वेर देन प्लस टू ए बी प्लस सिक्स ए बी प्लस थ्री बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब इन दोनों टर्म्स में से ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो रिमेनिंग क्या बचेगा सेवन माइनस फाइव इन दोनों टर्म्स में से ए बी कॉमन आ गया रिमेनिंग टू प्लस सिक्स और इन दोनों टर्म्स में से बी स्क्र कॉमन आ गया रिमेनिंग थ्री प्लस वन अब ये जो कॉमन है यहां मैंने कॉमन बाद में लिखा है यहां मैंने कॉमन पहले लिख दिया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जहां भी चाहे आप लिख सकते हैं तो ये सेवन माइनस फाइव टू ए स्क्वेर प्लस टू प्लस सिक्स एट ए बी प्लस थ्री प्लस वन फोर बी दिस विल बी द फाइनल आंसर जी स्टूडेंट्स अभी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की कुछ एग्जाम्पल समझी अब हम एक्सरसाइज एट ए स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज में भी पहले एडिशन के क्वेश्चन हैं वर्टिकली लिखा हुआ एक्सरसाइज में इसलिए ये क्वेश्चंस मैंने वर्टिकली लिख के सॉल्व किए हैं। अगर खुद से वर्टिकली ना लिखा हो तो आपकी अपनी चॉइस है आप वर्टिकली लिख के सॉल्व कर लें या हॉरिजॉन्टली लिख के सॉल्व कर लें अब क्वेश्चन नंबर वन करेंगे सबसे पहले एड टू ए प्लस थ्री बी और सेकेंड एक्सप्रेशन है फोर ए प्लस सेवन बी अब ये टू ए प्लस फोर ए लाइक टर्म्स को एड किया तो सिक्स ए आ गया प्लस थ्री प्लस सेवन टेन बी आ गया ये इसका आंसर होगा अब पार्ट फोर देखें माइनस वन प्लस थ्री तो ये टू ए आ जाएगा फिर माइनस फोर प्लस वन बी माइनस थ्री बी ये इसका फाइनल आंसर आ गया अब पार्ट सिक्स करेंगे माइनस थ्री ए स्क्वायर प्लस सेवन ए स्क्वायर तो ये आ जाएगा फोर ए स्क्वायर माइनस फाइव ए बी प्लस टू ए बी माइनस थ्री ए बी प्लस टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा सेवेंथ पार्ट फोर एक्स वाई प्लस वन एक्स वाई फाइव एक्स वाई माइनस एट प्लस सिक्स माइनस टू ये आपको पता है स्टूडेंट्स कि अगर दोनों टर्म्स के साइन सेम ना हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो साइन बड़ी वैल्यू के साथ है जैसे यहां एट ग्रेटर वैल्यू है उसके साथ माइनस का साइन है तो रिजल्ट के साथ भी माइनस का साइन आएगा अब पार्ट एट करेंगे ये तीनों लाइक टर्म्स हैं, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर तो माइनस फोर प्लस टू माइनस टू आ गया माइनस टू प्लस थ्री करें तो वन आ जाएगा तो यहां पे ए स्क्वायर आ जाएगा वन लिखना जरूरी नहीं होता ये तीनों भी लाइक टर्म्स हैं प्लस सिक्स माइनस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर प्लस सेवन ए माइनस थ्री प्लस सेवन प्लस फोर माइनस टू प्लस टू ये इसका फाइनल आंसर होगा और अब इसी टाइप में लास्ट क्वेश्चन करेंगे टेंथ पार्ट है जो माइनस फाइव एक्स स्क् प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स स्क् माइनस वन एक्स स्क्स फोर एक्स स्क्वायर आ जाएगा देन सिक्स एक्स वाई प्लस सेवन एक्स वाई थर्टीन एक्स वाई माइनस थ्री एक्स वाई प्लस टेन एक्स वाई माइनस एट वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर तो ये माइनस नाइन वाई स्क्वायर आ जाएगा ये इसका रिजल्ट होगा अब ट्वेल्थ पार्ट में उसने सिंपली ये फोर एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं अब यहां वर्टिकली नहीं लिखा अब आप अगर इसको वर्टिकली सॉल्व करना चाहें तो वर्टिकली कर लें मैं इसको भी हॉरिजॉन्टली सॉल्व कर रहा हूं इन चारों एक्सप्रेशन को हम पहले हॉरिजॉन्टली लिख लेंगे फर्स्ट एक्सप्रेशन एक्स स्क्र माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ऐड कर रहे हैं प्लस का साइन सेकेंड एक्सप्रेशन टू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायेर प्लस वाई फिर प्लस का साइन थर्ड एक्सप्रेशन फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस लास्ट एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अब फर्स्ट स्टेप में हम इन ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे चूंकि इन तमाम ब्रैकेट्स से पहले प्लस का साइन है तो अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज नहीं होंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अब लाइक like टर्म्स को इकट्ठा लिखेंगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स देख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर और लास्ट में भी एक प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये हमने एक्स स्क्वायर वाली तमाम टर्म्स को इकट्ठा लिख लिया अब एक्स वाई वाली टर्म्स देखें, माइनस टू एक्स वाई प्लस टू एक्स वाई देन माइनस एक्स वाई एक और टर्म है इसको भी लिख लेंगे फिर वाई स्क्वायर वाली टर्म्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर एंड देन माइनस वाई स्क्वायर अब स्टूडेंट्स यहां आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी कोई टर्म मिस तो नहीं हो गई आप इन टर्म्स को काउंट कर लें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्म्स हैं इनको भी काउंट कर लें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड इलेवन इट मीन्स के आपने सारी टर्म्स लिख ली है एक और मैथड भी है आप एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स जब लिखें तो इसको आप टिक लगाते जाएं उस तरह भी कोई टर्म मिस नहीं होगी अब इनको ऐड कर लेंगे वन प्लस वन टू प्लस फोर सिक्स प्लस वन सेवन एक्स स्क्वेर माइनस टू एक्स वाई प्लस टू एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा माइनस एक्स वाई इसी तरह प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई 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 स्क्वायर 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 प्लस 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 टू थ्री वाई स्क्वायर माइनस वन तो प्लस टू वाई स्क्वायर ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जी स्टूडेंट्स आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री है इफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई प्लस फोर वाई स्क्वायर Equal to 2XY equal to plus 5XY plus y विक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर जी विक्वल टू माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस अब स्टूडेंट्स हमने x प्लस y प्लस z की वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले x प्लस y प्लस z लिखेंगे फिर नेक्स्ट स्टेप में तीनों की वैल्यूज तीनों के एक्सप्रेशन गिवन हैं, वो पुट कर देंगे और फिर लाइक like टर्म्स को इकट्ठा लिख के सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका सोल्यूशन करते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स की जगह एक्स वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस जी एक्सप्रेशन है माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अब सबसे पहले स्टेप में हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे टू एक्स स्क् माइनस थ्री एक्स वाई प्लस फोर वाई स्क्वा प्लस टू एक्स वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर अब ये बाहर साइन पॉजिटिव है अंदर तमाम टर्म्स के साइन चेंज नहीं होंगे माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अब लाइक like टर्म्स को इकट्ठा करेंगे ये अब मैं टिक लगा के आपको बता रहा हूं टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वाइनस फोर एक्स स्क्वेर एक्स स्क्वायर वाली तमाम टर्म्स हमने लिख ली देन माइनस थ्री एक्स वाई प्लस टू एक्स वाई प्लस फाइव एक्स वाई अब वाई स्क्वायर वाली प्लस फोर वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब देखें स्टूडेंट्स हमने चूंकि टिक लगाए थे तमाम तो टर्म्स हमें पता चल गया हमने लिख ली हैं इसको आप लेड पेंसिल से टिक कर लें उसके बाद रेजर से इसको रेज भी कर सकते हैं आप अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे टू प्लस वन थ्री थ्री माइनस फोर माइनस वन एक्स स्क्वेर तो वन नहीं लिखना जरूरी होता तो माइनस एक्स स्क्वेयर का मतलब माइनस वन एक्स ही है माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन प्लस फाइव एक्स वाई प्लस फोर एक्स वाई और लास्ट में फोर वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर वन वाई स्क्वायर प्लस वन वाई स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर तो ये स्टूडेंट्स एक्स प्लस वाई प्लस जी का फाइनल आंसर आ गया तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की एग्जाम्पल्स की और एक्सरसाइज एट ए के कुछ सवाल किए जो सवाल मैंने बोर्ड पे सॉल्व नहीं कराए वो आप लोग एज होमवर्क खुद सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़